नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। कश्मीर में जिस तरीके से बिहारियों की निर्मम हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा, उसके बाद उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट लाया गया, इस मौके पर भाजपा के तमाम बड़े नेता, चाहे वो राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हो, श्रम मंत्री जीवेश कुमार हो, विधायक हरिभूषण ठाकुर, सभी लोगों ने मौके पर पहुंचकर पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण किया और सभी नेता मर्माहत थे। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है तब तक हम हालात को बिगड़ने नहीं देंगे और आतंकवादियों को जरूर सबक सिखाएंगे। और वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा कि ये जो हुआ ये गलत हुआ और आतंकवादियों को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, उनको ज़रूर सबक सिखाया जाएगा। और क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, आइए हम आपको सुनाते हैं। पाक समर्थित आतंकवादियों के द्वारा कर दी गई है, उनका पार्थिव शरीर आज पटना हवाई अड्डा पर आ रहा है। मैं और हमारे माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री जीवेश कुमार जी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज एयरपोर्ट पर उपस्थित हैं। फिर दोनों पार्थिव शरीर प्रशासन, जिला प्रशासन के वाहन से अररिया जिला जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। हम सब दुखी हैं, मर्माहत भी है और विस्तार से कल हम सबों ने अपनी भावना को भी व्यक्त किया है कि पाक समर्थित जो आतंकवादियों के द्वारा जो कायराना पूर्ण हमला गैर कश्मीरी के साथ किया जा रहा है, उससे न बिहार डिगने वाला है न अन्य राज्य डिगने वाला है। हम लोग उसका सामना करेंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 का खात्मा हुआ, उसके बाद जो शांति बहाली हुई, दूसरे राज्यों के लोग वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से अपने कारोबार को भी कर ही रहे थे, तो ये पाकिस्तान को या उनके समर्थित आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ में सारा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकजुट है और इस आतंकवाद का पुरजोर जवाब हम सब देंगे। सर्च भी हो रहा है, कई आतंकवादी मारे भी गए हैं और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल जी हैं उनसे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की और हमारी भी उनसे बातचीत हुई और हम सब उसका मुकाबला करेंगे। इससे भारत तालिबान के एक मिनट रुक जाइएगा, तालिबान जिस तरीके से एक बार कमबैक हुआ है, क्या लगता है कि ये तस्वीर यहाँ भी जिस तरीके से देखने को कश्मीर में? देखिए, कश्मीर की सरकार ने शवों को भेजने की व्यवस्था की थी, दो शव यहाँ पर आए हैं, माननीय डिप्टी सीएम तारकिशोर जी, माननीय लेबर मिनिस्टर जीवेश जी, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अभी उनके शव को अररिया भेजा गया और उम्मीद है कि कल सुबह तक जो है संस्कार होगा। और मनोज सिन्हा जी जो उपराज्यपाल, उनसे बातचीत हुई थी कल भी, तो उन्होंने कहा कि 11 लाख रुपये की सहायता कश्मीर सरकार के द्वारा दी जाएगी और 3 लाख रुपये की सहायता बिहार सरकार की ओर से दी जा रही है, तो कुल 13 लाख या 14 लाख की सहायता उनको मिल सकेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो लाभ उनको मिलेगा। जो भी घटना घटी है बहुत ही दर्दनाक है और देखिए, ये कोई बिहार या यूपी के लोगों को टारगेट नहीं किया गया है। ये जो मजदूरी करने जो लोग गए थे कश्मीर के बाहर के अन्य राज्यों से, जो गरीब थे, मजदूर थे, उन लोगों को टारगेट किया गया है। क्या इसे हिंदुओं को टारगेट समझा जाए? कहा कि उनको टारगेट किया गया, सिखों को, हिंदुओं को, जो गैर कश्मीरी हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं या जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ, उनको चुन चुन कर टारगेट करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, स्थिति को हम बिगड़ने नहीं देंगे और हालात बहुत जल्दी सामान्य होंगे। NIA ने पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है, सेना और सुरक्षा बल लगातार मुकाबला करें तक 13 से ज़्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं और कश्मीर में जो 3 साल में हालात सामान्य हो रहे थे, पिछले दिनों 200 लोकसभा राज्यसभा के MPs का दौरा कश्मीर में हुआ है। मैं खुद एक टीम में शामिल था जिसमें 20 से ज़्यादा MPs थे। अभी भारत सरकार के एक दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों का दौरा हो रहा है, तो जो शांति, अमन, चैन का माहौल बना था धारा 370 हटने के बाद,
ये कश्मीर के हुक्मरानों को स्वीकार नहीं था, बर्दाश्त नहीं था। तो आपने सुना कि किस तरीके से दोनों नेताओं ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और कहा कि हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं, लेकिन आतंकवादियों को ज़रूर सबक सिखाया जाएगा, उनसे ज़रूर बदला लिया जाएगा। इसके लिए जो केंद्र की जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं और जल्द ही फैसला आ जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसजी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसजी न्यूज़।